दोस्तों, ईपीएस मेंबर्स और ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित बहुत ज़रूरी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 केसेस जो 2018 था उसकी डेट रिलीज कर दी गई है। डेट है 17 मार्च 2020, यानी 17 मार्च 2020 को इन केसेस की सुनवाई होगी। देखने वाली बात होगी क्या वाकई में 17 मार्च 2020 को इस केस की सुनवाई हो पाएगी या फिर नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट केसेस की तारीखों को बदल रहा है। कई बार हो चुका है, एक बार नहीं, कई बार, दो, तीन, चार, पांच, कई बार हो चुका है ऐसा कि लगातार तारीखें बदली जा रही है। एपीएस 95 पेंशनर्स को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है सीबीटी मीटिंग को लेकर। सीबीटी की मीटिंग की तारीख रिलीज हो चुकी है। सीबीटी की मीटिंग अब 5 मार्च 2020 को होगी और ये मीटिंग 226वीं मीटिंग है। इस मीटिंग के बारे में आदेश पारित किया जा चुका है। आदेश की कॉपी आपको स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रही होगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये आदेश 18 फरवरी 2020 को पारित किया गया है। आदेश में साफ लिखा हुआ है कि 226वीं मीटिंग सीबीटी की 5 मार्च 2020 को होगी। देखने वाली बात होगी कि सीबीटी मीटिंग में क्या फैसला निकल कर आता है। बताया जा रहा है कि सीबीटी मीटिंग में ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइए आपको क्या लगता है, इस सीबीटी मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर कोई बड़ा फैसला आएगा या फिर नहीं आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह की हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।